हर गाड़ी में अलग अलग होता है। अच्छा, ये हर गाड़ी अलग है, इसमें क्लच पे इसमें कुछ नहीं होता, इसमें बैठे हैं, हैंड ब्रेक चल रहा है। पहले जब ये सारा एकदम लाइट हट जल गई, फिर बंद होने दीजिए उसको 2 मिनट, ठीक है। उसके बाद अलग अलग हर गाड़ी का अलग अलग होता है, ठीक है। हर गाड़ी का तो क्या करना है आपको, चेक करना है, या तो गाड़ी बिना क्लच ब्रेक दबाए चालू हो जाएगी, या गाड़ी क्लच दबा के चालू होती है, या क्लच ब्रेक दोनों दबा के चालू होती है, या क्लच और रेस से चालू होती है। तो ये वाली जो गाड़ी है ये बिना कुछ दबाए चालू हो जाएगी, इसको खाली ऐसे घुमाना, गाड़ी चालू हो गई, ठीक है। रेस मीटर आपका 1 से नीचे होना चाहिए हमेशा, अगर 1 से ऊपर है तो 2 मिनट गाड़ी को चालू रहने दीजिए, वो 1 से नीचे आएगा, ठीक है। 1 से नीचे आएगा तभी आप चल सकते हैं, ठीक है। तो आपका पहला गियर होता है क्लच दबा के, पहला गियर लगेगा जैसा जो भी लगता है, फिर आपको हैंड ब्रेक नीचे करना है। उसके बाद आपको खाली क्लच से सबसे पहले आपको गाड़ी उठानी होती है। हर गाड़ी का अलग अलग होता है, कुछ गाड़ी थोड़ा सा क्लच छोड़ने पे उठ जाती है, कुछ में ज्यादा होता है, नई गाड़ियों में थोड़े से क्लच में उठ जाती है गाड़ी, तो हर गाड़ी का अलग अलग होता है वो, आप जब आप बैठेंगे तब आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद ये आपका पहला गियर है, पहला गियर आपका स्पीड लिमिट, खाली पहला गियर हमेशा जब भी आप यूज करेंगे ट्रैफिक में होता है, जब आप खड़े हुए हैं जाम पे, क्योंकि ये खाली गाड़ी उठाने के लिए काम आता है, या फिर आप हाई स्पीड से आ रहे हैं, बिल्कुल सामने कोई गाड़ी आ गया, आप रुक गए जैसे आप तीसरे गियर पे हैं, और फिर आपको एकदम से उठना है, तो आप तीसरे गियर पे गाड़ी नहीं उठा सकते, पहले गियर पे ही गाड़ी उठानी होती है हमेशा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पहले गियर की स्पीड लिमिट होती है आपकी 11-12 तक की, दूसरे गियर की होती है 12 से लेकर 25 तक की। तो जब भी आप किसी गाड़ी